कि क्या बताऊं कि क्या मदीना है। इतनी देर से समझा रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा। ए नारा मत लगाओ, बैठो, नारा मत लगाओ। मैंने बहुत देखे, इतनी देर से समझा रहा हूं, खोपड़ी में बात कर रहे, नहीं उतर रही। बलिया भी बोल रहा, लाइव कराने के चक्कर में तकरीर की रूह पर खंजर मारोगे। बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, दरूद शरीफ पढ़ो, اللهم صل على مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلوا عليه صلاه و سلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم। 12 ربيع النور کو کعبہ جھوم رہا ہے, 12 ربيع النور کو جلوس میں نکلنے والوں فخر سے چھاتی ٹھوک کے نکلو, سبحان اللہ। हम छुप के इश्क नहीं करते नबी से, खुल के इश्क करते हैं। वाह 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 वाह। हमने जुर्म नहीं किया है नबी से मोहब्बत करके, अमा हमने जन्नत की चाबी थाम लिया है नबी से मोहब्बत। वाह 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 वाह। और भी कोई काम बचा हो तो एक साथ आप लोग कर लो। नहीं नहीं मैं इंसान सिस्टम कुछ गलत देख रहा हूं। क्या कह रहा था, किसी को याद है? काबा झूम रहा, जोर से जोर से, फिर वही नारा लगा दो, जश्न आमदे सरकार भी कायम करो, जश्न आमदे सरकार भी, थोड़ा बुलंद आवाज से, जश्न आमदे सरकार भी, जश्न आमदे सरकार भी। दोनों हाथों को उठाकर लगे कि एक पैगाम जा रहा है, एक नारा है, जश्न आमदे सरकार भी, जश्न आमदे सरकार भी, जश्न नाम अरे सरकार भी। और बरिया भी कहता, मुसलमान जब तक तू अपने सजदे की हैसियत नहीं समझेगा, दुनिया अपने जूते की हैसियत देगी, तेरी हैसियत नहीं रहेगी। सजदे का वजन देखना है तो देख, ये नमूना अमेरिका में नहीं मिलेगा, ये नमूना दुनिया के किसी मुल्क में नहीं मिलेगा, भारत में मिलेगा। अलविदा का जुमा हो, ईद की नमाज हो, बकरीद की नमाज हो, ईदगाह हर मोहल्ले में नहीं, मस्जिदों में, मस्जिद फुल, मुसल्ले सड़क पर, चटाई रोड पर। अमर ये प्रेम और ये हिंदू मुस्लिम की मिसाल कौन देगा? अब्दुल्ला रब का सजदा करे, दीन ईद का हो, अब्दुल लतीफ रब की बंदगी करे, दीन जुमे का है, महेश वर्दी पहन के खड़ा है, खबरदार। बोल दो बोल दो, रमेश वर्दी में खड़ा है, खबरदार। आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना,
मुसलमान अपने अल्लाह का सजदा कर रहा है। वारलेस आता मंत्री जी आने वाले हैं, जवाब देता मेरे भारत का सिपाही, खबरदार मंत्री को बोल दो रास्ता बदल ले, नमाज से पहले मुसल्ला नहीं बदला जाए। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। तब बलिया भी कहता मेरे नबी की इज्जत पे हाथ डालने वालों, हमें कूदने की जरूरत नहीं है, हमें छलांग मारने की जरूरत नहीं है, हम तो सिर्फ दो रकात की नियत करके हाफिज को बढ़ाते हैं। हाय हाय हाय। और कह दे बेटा तू कुरान पढ़ते रह, तो हम बांट चुके हैं, मेमोरेंडम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सरकारें हुकूमतें तेरे सजदे के करीब आ जाएंगी। ये है हमारा हिंदुस्तान, पलट जा मुखबिर, खबर खबर ये कि अल्लाह है, खबर ये कि वो रहीम व करीम है। मुखबिरों का सिलसिला चला, आदम ईसा मूसा ज़करिया इदरीस शीसा यूनुस याकूब सबा बाबा। जितने आए सबसे लोगों ने पूछा वो बैदहू ना शरीक है, बोल तो रहे हो, देखे भी हो, लेकिन जब 12 रबीउल नूर को महबूब आ गया, बोलो बोलो बोलो, और जब महबूब आ गया तो रब ने फरमाया महबूब आप चुप रहो, आप चुप रहो। काबे में सजे हुए महामहिम लोग बोलेंगे, आप चुप रहो। समझ गए हो तो मोहब्बत से बोल दो, बोल दो, बोल बोल। वो महामहिम जो कभी ना बोले पुजारियों से, बगैर किसी बुलडोजर, बगैर किसी हथौड़ा, बगैर किसी छेनी के, सब मुंह के बल औंधे घिरे पड़े हैं। तो कोई मनचला गुजरते हुए पूछ दिया यमराज लो, न भूकंप आया न जलजला, आप कैसे उलट पलट गए? तो काबे के गिरे हुए पत्थर बोल पड़े। तवज्जो चाहूं, तारीफ तारीफ तकरीर नहीं, तारीफ। काबे की गोद के गिरे हुए पत्थर बोल पड़े, हैरत है तेरी अक्ल पे, हैरत है तेरी अक्ल पे, तू आदमी भी है, हैरत है तेरी अकल पे, तू आदमी भी है। काबे पर लहराता झंडा बेटा, न समझ सका, खुशबूदार हवाएं मिली, न समझ सका, हैरत है तेरे आदमी होने पर। अरे तू आदमी होकर ना जान सका कि कौन आया, मैं पत्थर होकर जान गया नबियों का नबी। मसलके आला हजरत ज
जश्न ईद मिलादुन नबी अल्लामा गुलाम रसूल बलियादी नारे तकबीर नारे रसालत। वाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आदमी होकर समझ ना पाया, आदमी होकर ना समझ सका तो 12 रबीउल अव्वल की अगर कोई विरोध और मुखालफत करे तो लड़ना मत, झगड़ना मत, जबान खराब मत करना, यही काफी है। कल जब मक्का वाला कल ना समझ सका उनके आने को, तो उसका टुकड़ा खाने वाला कैसे समझ पाएगा। वाह 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 वाह। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत जश्न ईद मिलादुन नबी सरकार की आमद दिलदार की आमद मुख्तार की आमद सरदार की आमद गमखार की आमद सरवर की आमद दिलबर की आमद अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी नारे तकबीर नारे रिसालत। वाह वाह माशाल्लाह। लेकिन मुस्तफा के आशिकों की जबीने अकीदत निगाहे इश्क झुकाकर बरेली के उस इमाम को सलाम करे जिस इमाम अहमद रजा ने नबी के बाजुओं के सीने में मोहब्बत रसूल की कील ठोकर कहा जमीनों जमा मकीनों मका तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए हम आए यहां उठे भी वहां तुम्हारे लिए दहन में जबा तुम्हारे लिए बदन में है जा नारे तकबीर। दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर नारे रिसालत जश्न ईद मिलादुन नबी जश्न आमद मुस्तफा सरकार की आमद दिलदार की आमद आका की आमद ताहा की आमद नारे तकबीर मसलके आला हजरत कलामे आला हजरत फैजाने आला हजरत हाय हाय अल्लाह हू अकबर। नबी के इश्क का इनाम देखना हो अहले इल्म की तवज्जो चाहो नबी के इश्क का इनाम देखना हो और आंखों की बीनाई घीलो न रखे हो किसी हुक्मरा की तिजोरी के सामने तेरी रोटियों के टुकड़े न दबे हो तो उस आशिक के सादिक को जो इनाम मिला है मदीने की सरकार से कि आज भी मदीने मनोबरा की गलियों में मक्के मुअज्जमा की वादियों में उर्दू समझे ना समझे लेकिन मुस्तफा का आशिक बारह रबीउल नूर को यही कहता है मुस्तफा जाने रहमत शमे बज़्मे हिदायत शहरे यारे इरम नौबहारे शफात 40 साल तक नबी चुप रहे। तवज्जो चाहूं कितने दिन तक जोर से बोलो 40 साल चुप रहे। महबूब आप मत बोलो आप मत बोलो जिस राह से मुस्तफा गुजरोगे ना तेरे सरों पर चलता हुआ बादल बोलेगा। महबूब आप मत बोलो आप मत बोलो
हबीब जिस राह से गुजरेंगे पत्थरों पर पाए नाश पड़ेगा। बलिया भी तो यहां रुक करके अपने को रोक नहीं पाता। ओ शहर तैयबा के पत्थरों तुम कितने खुशकिस्मत हो, ओ मक्के के पत्थरों तेरी अजमत को मैं कहां कहां खराजी अकीदत पेश करूं। हम मुस्तफा के सर से रोटी खा खा इज्जत पाकर रब की नेमतें पाकर हम रब के महबूब से वो इश्क ना कर सके। पत्थरों तेरे इश्क का कोई जवाब नहीं। जहां नबी पाक का पाए नाज पड़ गया पत्थरों ने मोम की तरफ पिघला दिया और अपने सीने पर आका के पाए नाज का निशान बन गया। कल महशर में कोई पूछे पहाड़ की चट्टानों से बता पहाड़ की चट्टानों तुमने नबी को देखा है। बेज़बान पत्थरों तूने नबी को देखा है तो पत्थर के टुकड़े बोलेंगे तू देखा है तो सबूत दे। तू देखा है तो सबूत दे। अरे हमने देखा नहीं, हमने तो उनके पाए नाज को अपनी छाती पे महफूज रखा है। देख देख जब 40 साल बीत गए मुखबिरों जब 40 साल बीत गए तब मेरे नबी ने मक्के को जमा किया। क्या किया? इकट्ठा किया, इकट्ठा किया। और जब जमा हो गए लोग तो मेरे नबी ने क्या कहा? ये नहीं कहा कि मैं नबी हूं बल्कि मेरे आका ने फरमाया ए लोगों तुम हमें क्या मांगते हो? तो जमा भीड़ ने कहा मुस्तफा आप सादिक हैं। जोर से जोर से आप अमीन हैं, आप अच्छे हैं और आप जैसा तो मैंने किसी को देखा ही नहीं। तब बलियाबी की निगाहें इसकी कहती अरब वालों देखते कैसे, इसलिए कि रब ने नबी तो बहुत पैदा किया महबूब सिर्फ एक ही पैदा किया। महबूब सिर्फ एक ही पैदा किया ना, महबूब सिर्फ एक ही पैदा किया। तब मेरे आका ने फरमाया कि अगर मैं कह दूं, अगर मैं कह दूं कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मनों का एक लश्कर छुपा है और वह तुम पर हमला करेगा, उस छुपे हुए लश्कर को तुम देखे नहीं हो, क्या मेरे कहने से मान लोगे? तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, अहले स्टेज की तवज्जो चाहो। बहुत सेंसिटिव पॉइंट। देखे नहीं हो मान लोगे? मान लूंगा। देखे नहीं हो मान लोगे? मान लूंगा। तुम देखे नहीं हो मेरे कहने से मान लूंगा? मान लूंगा। क्या? तब अरब के कुफार ने कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप कहेंगे तो होगा जरूर। जोर से जोर से जोर। इसलिए ये आज तक कभी आपने गलत बोला ही नहीं। तब बलिया भी कहता है
तब बलिया भी कहता है। कि ऐलाने नबुव्वत से पहले नबी की हर बात मान ले, पता नहीं ये मौली साहब कहां से आए कि कुरान पढ़ने के बाद भी अभी रिसर्च कर रहे हैं कि वो नूर है कि नहीं। तब मेरे आका ने फरमाया, ए लोगों जब मान लोगे मेरे कहे से, छुपा हुआ दुश्मन मान लोगे, तुम पर हमला करेगा मान लोगे, तो मेरे कहने से मान लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे ही ऐलाने बहतानियत कभी मुस्तफा की नबुव्वत का ऐलान हुआ, सबने फिर घेर लिया और घेर कर कहने लगे, ए अब्दुल्ला के बेटे, जिस अल्लाह के एक होने की खबर दे रहे हो, खबर मुखबिर, खबर मुखबिर, ये खबर तो बहुतों ने दिया, बोलोगे? अरे रंग में बोल दो। सफीबुल्ला ने भी दिया, नजीबुल्ला ने भी दिया, कलीमुल्ला ने भी दिया, रूहुल्ला ने भी दिया, खलीलुल्ला ने भी दिया, लेकिन देखा किसी ने नहीं है। क्या तुम भी बगैर देखे खबर दे रहे हो? तब मेरे आका ने मुस्कुराकर फरमाया, वो नबी थे जो बिन देखे खबर दिए थे, मैं उसका महबूब हूं देखने के बाद खबर दे। अदारे शरिया की तहरीक बेदारी चल रही है जहेज के खिलाफ, हुल्ला बोल, और अदारे शरिया और बलियाबी और मेरे उलमा ने बांध लिया सर पे अमामा। मेरी जिंदगी एक मिट्टी का ढेर है, लेकिन मुस्तफा के इश्क और नबी की अजमत के लिए जान जाए तो याद रखना, सारे सजदे वाले एक तरफ होंगे, मुस्तफा वाले एक तरफ होंगे। तब बलिया भी अदारे शरिया ने तय किया, और आज बलिया भी पटना सिटी में डंडे की चोट पे शुरुआत कर दे रहा है कि मेरी औलादों को लवारिस प्लॉट समझकर बेचने की गलती मत करो सियासतदानों। मुझे मालूम है कि तेरे अब्बा का खतियान कब कब रजिस्टर्ड हुआ है, लेकिन खैरों में नहीं मुसलमान, तूने अपनी नस्लों को तबाह किया। मत तीन टाइम खाओ, दो टाइम खाओ, मत अच्छा लिबास बनाओ, मोतिया मार्किन पहनो, बंद करो महंगी शादी, महंगा निकाह, वरना पेटियां बोझ बनेगी। कल नबी की यामत से पहले पेटियां गाड़ी जाती थी। अगर जहेज की लानत को दफन न करोगे तो कहीं मां का हाथ उन नाजुक जिंदगियों के गले पे न चला जाए। इसलिए वक्त के खतरात को आगाह करते हुए बलिया भी आपसे अपील करता है, निकाह को सस्ता करो ताकि बेटियों की इज्जत बचे। बंद कर दो, दफन करो। 50,000 3 लाख नकदी और एक मोटरसाइकिल लेकर बेटा बेचना,
अगर बेचने का शौक है तो मंडी से ही मुंतखब कर। तवज्जो चाहूं कफिल अंबर साहब, बेचने की हिम्मत है तो बाजार का सही इंतखाब कर। अगर तेरे बेटे की कोई कीमत 5 लाख एक बाइक लगा दे तो होने वाले समधी को दो टुक कह दे, बेटा मेरा है बेचूंगा, बेटा मेरा है बेचूंगा, लेकिन ससुराल की चौखट पे नहीं बेचूंगा, फातिमा के बेटे के दरवाजे बेचूंगा। वाह 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 वाह। अल्लाह ताला अमले खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। या जिंदा सोहबत पापी सलामत।